कलकत्ता की दोस्त, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो भी आप पाना चाहते हो, उसे आप कैसे बहुत आसानी से पा सकते हैं। कौन से ऐसे मंत्र हैं जिसे आप मैनिफेस्टेशन में बहुत आसानी से प्रयोग करके अपने जीवन में हर इच्छा पूरी कर सकते हैं? आप इस वीडियो में जानेंगे कि मंत्र ध्यान, मंत्र मेडिटेशन कैसे करेंगे, उसके साथ मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे। ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए सर्वोत्तम मंत्र कौन से हैं? मैं 5 ऐसे मंत्र आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो आपके लिए सर्वोत्तम है मेडिटेशन के लिए। मंत्र ध्यान के लाभ क्या है, कैसे चुनेंगे आप उस मंत्र को जो मंत्र आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प करेगा, और इसका अभ्यास आप कैसे करेंगे? ध्यान करते समय क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। अपने विचारों, चिंताओं और बाहरी आकर्षणों में इतना उलझ जाना आसान हो सकता है कि शांति और आंतरिक शांति के क्षण पाना बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। आपके आंतरिक संवाद को शांत करने और सहजता के उन क्षणों को खोजने में आपकी मदद करने के लिए कई उपकरण, कई टेक्निक मौजूद हैं, जैसे मंत्र मेडिटेशन सबसे उत्तम टेक्निक है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली टेक्निक है। इसका अभ्यास आपको विकसित करने में मदद करता है, अपने माइंड को तनाव कम करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। दोस्तों, मंत्र सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, क्योंकि इनका जाप करने से व्यक्ति के आसपास की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और इस पॉजिटिव एनर्जी की मदद से व्यक्ति हर उस विश को पूरा कर सकता है जो उसकी सफलता के लिए जरूरी है। मंत्रों के नियमित और धार्मिक जाप के बाद आध्यात्मिक शक्ति और जागरूकता में जागृति आती है, जिससे व्यक्ति के आसपास पॉजिटिव एनर्जी की संभावना बढ़ने लगती है और बदले में सौभाग्य आता है। मंत्र जाप से स्वयं और ईश्वर के बीच संबंध बनाने की संभावना भी बढ़ जाती है। किसी विशेष देवता को समर्पित मंत्र का जाप करने से देवता आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक मंत्र की अपनी ध्वनि, अपनी वाइब्रेशन होती है, और उनमें एक दिव्य शक्ति भी होती है जो जीवन से हर ऑब्स्टिकल को दूर करने में मदद करती है और सफलता पाने का आसान रास्ता बनाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर हमेशा मंत्रों से संबंधित जानकारी लाती हूं, यंत्रों से संबंधित जानकारी लाती हूं, और आपके उन समस्याओं का समाधान लाती हूं जो समस्याएं अभी तक आपको छोड़कर नहीं गई हैं। अगर इस तरह की जानकारी आप भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे जब भी कोई वीडियो अपलोड। तो दोस्तों, मंत्र का ध्यान का पहला कदम होता है किसी एक अच्छे मंत्र की खोज करना, फिर एक शांत स्थान की तलाश करना और अधिक रोशनी से बचना, क्योंकि यह ध्यान के दौरान आपकी एकाग्रता में बाधा डाल सकता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एक अच्छे मंत्र की खोज आप कैसे करेंगे। दोस्तों, मंत्र चुनने की बात करें तो कोई एक आकार फिट नहीं होता इसमें। सबसे अच्छा मंत्र वह है जो आपके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हो, जो आपको शांति, ध्यान और जुड़ाव की भावना देता हो, जो आपके ध्यान अभ्यास से परे है। ऐसे कई कारक हैं जो आपकी पसंद को प्रभावित कर सकते हैं।
इसीलिए विभिन्न मंत्रों के साथ प्रयोग करें और एक ऐसा मंत्र खोजें जो आपको सही लगे, जिससे आप जुड़ाव महसूस करें, वैसे मंत्र की खोज करें। और आज जो पांच मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, उस मंत्रों में से कोई एक मंत्र आपके लिए ज़रूर सुटेबल होगा, जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मंत्र मेडिटेशन के लिए आप सबसे अच्छा समय अगर माना जाता है तो वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, या फिर रात में सोने के पहले। ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा टाइम है। अब आपको क्या करना है, आपको टाइम चुन लेना है, कोई एक टाइम सुबह का या फिर रात का। और कितने टाइम तक आप करेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइमिंग आपके पास होना चाहिए। इसके बाद किसी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाए, लेट भी सकते हैं। यदि बैठे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होनी चाहिए, पालथी मार कर। अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ धीमी, मध्यम और गहरी सांसें लें। सांस छोड़ते वक्त चुपचाप मंत्र को दोहराना होता है, लेकिन अपना ध्यान श्वास पर बनाए रखें। इससे पहले अपने आप को हर विचार से मुक्त कर लें। कोई भी विचार आपके मन में आता है तो उसे जबरदस्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को शांत करने की जरूरत है। और उसे फिर से रोक कर, जो विचार आपके मन में आया है उसे रोक कर सिर्फ अपने मन में शांति का भाव लाए, क्योंकि शुरुआती टाइम में ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने मन को शांत रखें और मन में आने वाले किसी भी विचार पर ध्यान न दें, और फिर से आप सांस लेना शुरू करें। 2 से 5 मिनट तक लंबी गहरी सांस लें। उसके बाद जो मंत्र आप चुनते हैं उस मंत्र को धीरे धीरे दोहराएं, उन बातों को ध्यान में लाएं जिन बातों से आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जब तक चाहे मंत्र ध्यान कर सकते हैं, मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट तो जरूर है। फिर ध्यान साधना के अंत में मंत्र को जाने दें और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ देर तक, कम से कम 1 से 2 मिनट तक सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करें मंत्र छोड़ने के बाद। ऐसा करने से आप आसपास के वातावरण से आप सजग हो जाएंगे और अपने नियमित जीवन में वापस आने को तैयार हो जाएंगे। बस अपने माइंड पर आपको कंट्रोल ये करना है कि जितनी देर आप ये मेडिटेशन करेंगे, उतनी देर आप कोशिश करेंगे कि कुछ भी और ना सोचते हुए अपने लक्ष्य के बारे में आपको चीजें सोचनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर एक मशीन की तरह काम करता है और यह कंपन, वाइब्रेशन और आवृत्तियों पर काम करता है। और जब मंत्रों का सही उच्चारण के साथ उचित तरीके से आप जाप करते हैं तो यह मानव शरीर पर अपने चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 मंत्र जिससे आप अपनी शक्ति और ताकत बढ़ा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला और शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र देवी गायत्री को समर्पित सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक मंत्र है, जो ज्ञान और प्रकाश का अवतार है। यह ऋग्वेद से लाया गया सबसे पवित्र भजन है। यह मंत्र भगवान सूर्य का आवाहन है, जो दिव्य प्रकाश और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपको और अपने भक्तों को ज्ञान, दिशा और मानसिक स्पष्टता के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में उनका मान सम्मान, उनकी बुद्धि सूर्य की तरह उदय होती है। गायत्री मंत्र जो स्क्रीन पर दिया गया है। दूसरा मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः। एक 5 अक्षरों का मंत्र है, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली मंत्र है और बहुत ही आसान मंत्र है। ये भगवान शिव का दिव्य पुरुष ऊर्जा को समर्पित एक बहुत छोटा सा और शक्तिशाली मंत्र है।
जब आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आप अपने शरीर और मन में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से पहचान पाएंगे, क्योंकि यह आपके दिमाग को शांत करने, तनाव को दूर करने और आपको अंदर से मजबूत करने में मदद करता है, आपको अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाता है। देवी का मंत्र है तीसरा मंत्र, और वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। यह दुर्गा सप्तती से लिया गया एक सबसे शक्तिशाली देवी मंत्र है। यह मंत्र आपके शरीर, मन और आत्मा से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है और यह आपको किसी भी चीज से लड़ने में आपको शक्तिशाली बनाता है, आपकी ऑरा को पॉजिटिव बनाता है और आपको एक कॉन्फिडेंट अट्रैक्टिव पर्सन बनाता है। चौथा मंत्र है सूर्य मंत्र, और सूर्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य मंत्र है और इसे आप ब्रह्म मुहूर्त में जब करते हैं तो सूर्य का विशेष फल, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इसे शक्तिशाली मंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका जाप आप सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देते समय प्रतिदिन कर सकते हैं। पांचवा है हनुमान मंत्र। यह दोस्तों भगवान हनुमान सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। वो भगवान राम के बहुत ही बड़े भक्त हैं, वे अष्ट सिद्धि नौ निधियों के स्वामी हैं। इस मंत्र के जाप करने से शक्ति सुरक्षा मिलती है, किसी तरह से निगेटिविटी अगर आपको घेरे बैठी है तो आपसे दूर चली जाएगी, सभी बाधाएं सभी ऑब्स्टिकल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और वो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र आप चुनकर अपने रोज के ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। यह मंत्र मेडिटेशन आपके तनाव को दूर करता है, इसकी ध्वनि पूरे शरीर में एनर्जी लाती है, इसकी ऊर्जा आपके दिमाग को तरोताजा बनाती है, अपने प्रभाव से आपके दिमाग में रसायनों को नियंत्रित करती है। यह मंत्र यह तनाव हार्मोन को अवरुद्ध करता है और आपको तरोताजा करता है। मंत्र ध्यान आपके हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। मंत्र सकारात्मक अल्फा गामा डेल्टा और दिमागी तरंगों को बढ़ाते हैं, मस्तिष्क की तरंगों को जो विश्राम के दौरान हमें परेशान करती है ठीक करते हैं। जाप करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आपकी, रोग दूर जाते हैं आपसे, आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस हो जाता है। मंत्र की ध्वनि के माध्यम से निगेटिव विचार जो है वो आपसे दूर जाते हैं, आपके मन की गहराइयों से दूर जाते हैं। मंत्र मेडिटेशन विचारों को प्रतिबंधित करने एवं शारीरिक और मानसिक कल्याण प्राप्त करने का एक स्वतंत्र और आसान टेक्निक है। मंत्रों का जाप से भय कम हो जाता है। भय के समय जो फोबिया वाले लोग अक्सर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ये आपने आमतौर पर देखा होगा। अगर आप इसे रोज उच्चारण में लाते हैं तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही सामान्य हो जाएंगी, किसी तरह का भय आपको नहीं लगेगा। हमारे आध्यात्मिक पहचान को जागृत करके करुणा का संचार करता है और हमारे मंत्र हमारे लिए वरदान साबित होते हैं। चंचल मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मंत्रों का जाप हमें समय और स्थान की सीमा से परे ले जाता है। यह एक भौतिक दुनिया के स्थलों, ध्वनियों और सिमुलेशन से हमें छुटकारा दिलाता है और हमें एक दिव्य आध्यात्मिक स्थान पर ले जाता है और जहां हम अपने इष्ट से मिलते हैं। ये है मंत्रों का चमत्कार दोस्तों। मंत्र आपके जीवन में वरदान की तरह होता है। आप जिस भी परिस्थिति में हो, आप जिस भी परेशानी में हो, आप मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं। तो करने के बाद इसका पूरा पूरा फायदा। आज की ये जानकारी यहीं तक दोस्तों। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।